हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका ब्लॉगिंग टिप्स फॉर यू में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको यार मूवी वेबसाइट्स पे एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है, और वैसे भी यार मूवी की वेबसाइट्स पे एडसेंस का अप्रूवल लेना भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और अगर गलती से मिल भी गया ना तो यार वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर मैं अपना एक वेबसाइट का केस स्टडी आप सभी के साथ यार बहुत जल्द शेयर करूंगा इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना फटाफट, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास मूवी वेबसाइट्स पे एडसेंस का अप्रूवल नहीं है तो किस तरह से यार आप एडसेंस के बिना भी काफी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो मूवी वेबसाइट्स की मदद से, अगर आपके पास एक मूवी वेबसाइट है तो, ठीक है। किस तरह से आपको काम करना है, क्या करना है, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो कैसे, अगर आप इस चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सर सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बोलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। सो बस यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो यार, ये एक मेरे पास मूवी वेबसाइट से रिलेटेड एग्जांपल मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये एक मूवी से रिलेटेड वेबसाइट है, जैसे कि आप देख पा रहे हो filmzillatoday.in, ठीक है। तो यहाँ पे यार एडसेंस का अप्रूवल नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी एड नेटवर्क से भी मतलब कि ठीक ठाक यार अर्निंग हो जाता है, ठीक है, $5-6 के आसपास बन जाता है। तो आपको मतलब कि किस तरह से काम करना है इस, अगर आपके पास इस तरह की पर्टिकुलर वेबसाइट है, और किस तरह से आपको आर्टिकल वगैरह लिखना है, ये भी आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करना, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल में वीडियो आपको दे दूंगा। क्योंकि यार काफी लोग क्या है ना कि मूवी वेबसाइट क्रिएट करते हैं लेकिन जस्ट बस डाउनलोड लिंक वहां पे डालते हैं तो उनको यार रैंकिंग नहीं मिल पाता, उनके व्यूज वगैरह नहीं आते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यार आपको थोड़ा बहुत कंटेंट डालना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे, ताकि आपकी भी वेबसाइट या सर्च रिजल्ट में आए, ठीक है। तो किस तरह से कंटेंट पे काम करना है, ज्यादा कुछ भी यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत नहीं, जस्ट कॉपी पेस्ट का ही वर्क है। तो किस तरह से काम करना है सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो आप मुझे कमेंट कर देना। तो अब बात कर लेते हैं यार यहाँ पे मैं कौन सा एड नेटवर्क यूज कर रहा हूँ और किस तरह से मैं यहाँ पे अर्निंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पे यार जो प्रोपेलर का एड्स होता है गाइस वो मैं यूज कर रहा हूँ, पॉपअप एड्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अभी मैंने यहाँ पे एड्स ब्लॉकर लगा रखा है, इसलिए यहाँ पे जो एड्स है वो शो नहीं हो रहा, एड्स ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। लेकिन जो प्रोपेलर एड होता है गाइस उसका एक मतलब ये पंगा होता है, वो क्या कहता है ना, थोड़ा सा यार इरिटेट कर देता है यूजर्स को, मतलब यूजर्स को इरिटेट इसलिए करता है, जैसे कोई भी अगर हमारी वेबसाइट पे कहीं भी क्लिक करेगा तो कोई भी दूसरा पेज खुल जाता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जो अगर आपके सब्सक्राइबर वगैरह होते हैं यार तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाएंगे। अगर आपके पास ट्रैफिक यार मिलियंस में है तो आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कि 10-15 लोग भी इरिटेट होंगे या 500-600 भी होंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास ट्रैफिक कम है, सब्सक्राइबर कम है, अगर जहां पे आप शेयर करते हो, तो उस केस में अगर आप प्रोपेलर एड वगैरह का यूज करोगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इस केस में यार आपको यूज करना है मतलब कि यूआरएल शॉर्टनर का, ठीक है। तो इस फील्ड में जो यूआरएल शॉर्टनर वन ऑफ द बेस्ट मतलब कि मूवी वेबसाइट्स के लिए जो यूआरएल शॉर्टनर है गाइस वो है यूआरएल शॉर्ट एक्स, ठीक है। इसके अलावा और भी काफी सारे शॉर्टनर्स है यार, उसके ऊपर भी डे बाय डे मतलब कि इन फ्यूचर्स वीडियोस बहुत जल्द मतलब कि इस चैनल पे मिलता रहेगा आपको, ठीक है। तो उनमें से एक ये यूआरएल शॉर्ट एक्स है जिसके थ्रू आप काफी अच्छा खासा मतलब कि अर्निंग जनरेट कर सकते हो अपनी मूवी वेबसाइट के थ्रू। तो किस तरह से आपको काम करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, जाके वहां से ज्वाइन करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको साइन अप एंड लॉग इन का ऑप्शन आ जाएगा, तो साइन अप कर लेना है, ठीक है। तो साइन अप बहुत ही इजी सा प्रोसेस है यार, मैं यहाँ पे लॉग आउट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कहाँ गया भाई लॉग आउट का ऑप्शन, एक सेकंड मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो डैशबोर्ड पे हम जाते हैं, फिर यहाँ से मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने लॉग आउट किया तो यहाँ पे आपको लॉग इन एंड साइन अप का ऑप्शन दिखेगा, तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है, और साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स डालना है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यूजर्स नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड, फिर दोबारा पासवर्ड एंटर करना, उसके बाद आपको आई एम नॉट रोबोट सेलेक्ट करके एग्री करके फिर रजिस्टर कर लेना, ठीक है। नहीं तो आप चाहो तो डायरेक्टली अपने जो मतलब कि जो ईमेल आईडी होता है उसके थ्रू भी ये सब प्रोसेस को बिना किए आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, लॉग इन करना है, लॉग इन पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ से मैंने गूगल के थ्रू किया था तो मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने लॉगिन कर लिया है, ठीक है। तो इसका यूजर इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और यहाँ पे सबसे पहले आप देखो यार सीपीएम कितना ज्यादा हाई है, ठीक है, वो भी इंडिया के ट्रैफिक पे। यार यहाँ पे एवरेज सीपीएम भाई $5 का मिल रहा है, इसका मतलब होता है कि जैसे 1000 व्यूज के आसपास अगर आपके आ गए भाई तो आपको मतलब की 1000 व्यूज पे $5 मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे मतलब की जो सीपीएम रेट है यार वो मिल रहा है, ठीक है। तो आप बात करते हैं यार किस तरह से आप 1000 व्यूज वगैरह कंप्लीट करोगे। सो गाइस देखो यार मूवी वेबसाइट्स पे 1000 व्यूज लाना
करना यार कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपके आपका कोई भी एक आर्टिकल रैंक कर जाता है ना अच्छे से कहीं भी, या फिर आपके टेलीग्राम पे, या फिर आपके व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे अगर आपके फॉलोवर्स हैं, तो वहां भी आप इस चीज को शेयर करके काफी अच्छा खासा यार हाई फाइव व्यूज ला सकते हो। तो यहाँ पे यार 1000 व्यूज पे $5 आपको मिलता है, ठीक है। और अगर सोचो अगर 10,000 व्यूज आ गए, 20,000 व्यूज आ गए, तो आप कैलकुलेट कर लो यार कितना अच्छा खासा आपको रेट मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको इसका रेट दिखा देता हूँ इंडिया में आपको कितना मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको पब्लिशर रेट्स पे क्लिक करना है। जैसे पब्लिशर रेट्स पे आप क्लिक करोगे देन आपको यहाँ पे नीचे आना है, और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो इंडिया में यार आपको $5 मिल जाता है, ठीक है। अगर आपका ट्रैफिक कनाडा से है, यूनाइटेड स्टेट से, तो फिर तो यार आप कमाल का पैसा यहाँ से अर्न करोगे। $15 के आसपास आपको 1000 क्लिक्स का मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अर्निंग है वो 1000 व्यूज पे ही यहाँ पे अर्निंग होता है, ठीक है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना। और ये यार इजिली आ जाता है, अगर आपकी मूवी की वेबसाइट है तो भाई मूवी हर कोई ढूंढता रहता है, ठीक है। जब तक उसको नहीं मिल जाता तब तक वो ढूंढता रहता है। तो आपको आराम से यार जो ये 1000 व्यूज है वो क्रिएट हो जाएगा। और किस तरह से सब्सक्राइबर बढ़ाना है, फॉलोअर्स बढ़ाना वगैरह, इन सभी पे यार वीडियो इन फ्यूचर मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन आपको करने की जरूरत नहीं है। और इंडिया में भी काफी अच्छा खासा यहाँ पे सीपीएम रेट मिल रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका किस तरह से यूज करना है यार, किस तरह से जो यूआरएल है गाइस उसे शॉर्ट करना है और अपनी वेबसाइट्स पे लगाना है। तो इसके लिए यार यहाँ पे मैं अपने डैशबोर्ड पे चले जाता हूँ। और फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि कोई भी हम एक वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। आप समझ लो कि ये एक मूवी का लिंक है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। और फिर आपको करना है यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाना, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू शॉर्टनर लिंक, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे जो मूवी का जो यूआरएल आपने कॉपी किया, जो डाउनलोड यूआरएल कॉपी किया, उसे आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे शॉर्टन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शॉर्टन पे क्लिक कर दोगे उसके बाद कुछ देर बाद यहाँ पे जो आपका लिंक है गाइस, जो मूवी वाला जो लिंक है वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इसको कॉपी करना है, और जो आपकी वेबसाइट है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरह से अगर आपने वेबसाइट क्रिएट किया हुआ है, देन आपको क्या करना है यहाँ पे एडिट पोस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद एडिट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद देखो वर्डप्रेस पे अगर आपकी वेबसाइट है तो ये सारा काम यार बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं काफी लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि यार ब्लॉगर से बेहतर है कि आप वर्डप्रेस पे आओ। और ब्लॉगर पे अगर आप मूवी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो भाई और उस पर अच्छा खासा व्यूज भी ला रहे हो ना, तो यहाँ पर डीएमसीए का बहुत बड़ा चक्कर होता है। तो अगर आपके 3 डीएमसीए आए तो जो आपका ब्लॉगर का अकाउंट है वो पूरा का पूरा उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का भी आप ख्याल रखना। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड बटन डाल रखा है तो इस पर आपको क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे एडिट लिंक पे जाना है और इसे करना है, एंड देन यहाँ पे जो अभी हमने लिंक कॉपी किया भाई उसे हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है। सिंपल सा बस आपको इतना काम करना है। उसके बाद पेस्ट करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे अपडेट कर देना है, तो आपका जो पोस्ट है गाइस वो ऑनलाइन हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे व्यूज आएंगे आपके आर्टिकल पे या आपके जहां जहां फॉलोअर्स है वहां भी आप इस पर्टिकुलर लिंक को शेयर कर सकते हो। इस लिंक को भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप अपना जो पोस्ट का यूआरएल है उसे भी आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि उस पर जैसे ही बंदा आएगा उसके बाद इस लिंक पे जरूर वो डाउनलोड बटन पे क्लिक करेगा। और जैसे ही वो बटन पे क्लिक करेगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, ठीक है। जैसे वो डाउनलोड बटन पे क्लिक करेगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से आपको एड्स वगैरह दिखाई जाएगा, ठीक है। ये कुछ प्रोसेस अभी मैंने एड ब्लॉकर लगा रखा है इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे यार कुछ प्रोसेस वगैरह करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसको जो मूवी का जो डाउनलोडिंग लिंक है गाइस वो मिलता है, ठीक है। तो इसी व्यूज के मतलब कि आपको पैसे मिलते हैं। तो जैसे ही 1000 व्यूजर्स आपके इस लिंक को विजिट करते हैं, व्यू करते हैं, एड्स वगैरह देखते हैं, देन आपको डेफिनेटली यार यहाँ पे डैशबोर्ड में काफी अच्छा खासा आपको अर्निंग मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीपीएम रेट है वो बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। तो इससे आपको पैनिक वगैरह होने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने व्यूज पे फोकस करना है। जितना ज्यादा यार आप व्यूज ला पाओगे ना भाई उतना ज्यादा आप यूआरएल शॉर्टेक से अर्निंग कर पाओगे। यहाँ पे बंदे यार बहुत ही अच्छा खासा कमा रहे, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप एक मूवी वेबसाइट पे बिना एडसेंस के गाइस अच्छा खासा आप अर्निंग जनरेट कर सकते हो। देन आई होप गाइस आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। बाकी जो इसका लिंक है गाइस वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाओ क्लिक करो, ज्वाइन करो और आज से ही काम स्टार्ट कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।